हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शो योर टैलेंट। दोस्तों, हमारे देश के जवान किसी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। ऐसी ही एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये घटना दिल्ली की है। मंगलवार 3 अगस्त की पालम के राजनगर इलाके की रहने वाली निशा मेट्रो की ब्लू लाइन के जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर खुदकुशी करने के मकसद से चलती ट्रेन के सामने कूदी। जब तक वह ट्रेन की चपेट में आती, तब तक ट्रेन ऑपरेटर ने उसे ये करते देख लिया। तभी तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्रेन रुकी, मगर तब तक युवती का पैर और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा ट्रेन की चपेट में आ गया था और वह घायल हो गई थी। इस दौरान उस लड़की के कपड़े ट्रैक और ट्रेन के बीच फंसने की वजह से फट गए थे। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की क्विक रिएक्शन टीम उसी प्लेटफॉर्म पर चेकिंग कर रही थी। तभी ट्रेन के रुकते ही सुरक्षाकर्मी तुरंत युवती की जान बचाने के लिए ट्रैक पर कूद पड़े। युवती को सुरक्षित बाहर निकालकर उसे ले जाने लगे। तभी देखा कि युवती के कपड़े फटे थे, तो CISF के कांस्टेबल नव किशोर नायक ने फौरन अपनी वर्दी उतारकर लड़की के ऊपर डाल दी। वे लोग फौरन युवती को उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले आए। एम्बुलेंस बुलाकर तुरंत युवती का इलाज के लिए माता चनन देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती की जान बचाने वाले व वर्दी से उसकी असमत ढकने वाले CISF के कांस्टेबल को पुरस्कार देने के लिए लोग अपील कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने CISF के उस जवान के ऊपर, जिन्होंने तुरंत उस लड़की की जान की रक्षा तो की ही, साथ ही साथ जिस उस लड़की के कपड़े फट चुके थे तो तुरंत अपनी वर्दी से उसका शरीर भी ढक दिया, और इस वजह से उन जवान की सोशल मीडिया पर बहुत प्रशंसा हो रही है और इनाम के लिए भी सब लोग अपील कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप भी अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें।